نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قلت أي الناس أحب إليك قال عائشة فقلت من الرجال فقال أبوها قلت ثم

सद्दीक कयनत सद्दीक़ा बिनत सद्दीक़ हज़रत आयशा रजी अल्लाह तहा का हज़रत आयशा रजी अल्लाह तहा के बारे में अहादीस पाक में बेशुमार मनाकब और फ़जाइल मौजूद हैं हमारा आज का दरस हदीस सत्रह रमज़ानमबारक की मुनासबत से हज़रत आयशा रजी अल्लाह तहाँ के मकाम और मन कबत और आपके मर्तबे के बारे में होगा आपका नाम नामी इसम गी आयशा है आपका लकब सिद्दीका और हमारा है आपका ख़िताब उमिन है और आपकी कुनीत अपने भांजे अब्दुल्ला के नाम पर उम अब्दुल्ला है आपकी विलादत के बारे में हाफिज़ इबन हजर अस्कलानी रहा ने असाबा फ़ी तमयदा की चौथी जल्द में दो कौल नकल किए नंबर एक सन चार नबवी और नंबर दो सन पाँच नबवी यानी जब हजूर सल्ला वसलम की उम्र मुबारक चवालीस या पैंतालीस साल थी उस वक़्त उम्रमुमिनजरत आयशा रजी अल्लाह तह की विलादत बसादत हुई अल्लाह अल रबालत ने आपको बचपन में ही गैर मामूली हाफ़ज़ा, जहानत हाज़िर जवाबी मामला फहमी की नेमत अता फरमाई थी जिसका तस्करा अहादी से पाक की किताबों में मशकूर और मौजूद है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ला ने सई बुखारी किताब तफसीर में नकल किया हज़रत रजी अल्लाह तह फरमाती हैं लक़द उनज़िलाहम्मदिन सल्ह वसल् भी मक्का था व इन्नी लजारीतुलआबो भली सा तो मोैदुम वसात अदहा व अमर यानी जब अल्लाह रबाल्ज़त ने मक् मुकरमा में हजूर सल्ला वसलम पे आयत करीमामा भली सा तो मौैद हम वसात अदहा व अमर नाजिल फरमाई उस वक़्त में छोटी बच्ची थी और मैं अपनी सहेलियों के साथ छोटी बच्चियों के साथ खेल में मसरूफ़ थी यानी बचपन की हालत में ही जनाब रसूल सल्ला वसम पर उतरने वाली वही को हज़रत आयशा रजील् तह ने महफूज़ फरमाया और बाद में उम्मत के सामने उसका इजहार फरमाया कि जब रसूल्ला सल्लाम पर फलाँ आयत उतरी तो मैं उस वक़्त छोटी बची थी लेकिन वह आयत करीमा मुझे आज भी याद है इसी तरह ला रबुल्ज़त ने आपको बचपन में ही गैर मामूली जहानत के साथ साथ हाजिर जवाबी की नेमत भी अता फरमाई थी जिसका अंदाज़ा सिर्फ़ एक हदीस पाक से आप लगा सकते हैं मिशका शरीफ जल्दो सफा दो सौ नबे पर हदीस पाक मौजूद है हज़रत रजी अल्लाह तह फरमाती हैं कि मैं बचपन की हालत में छोटी छोटे परिंदों के साथ मिट्टी के खिलौनों के साथ खेल रही थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो आपने मेरे खिलौनों को देखा उन खिलौनों में एक घोड़ा था जिसके दो पर थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा आयशा ये क्या है मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ये घोड़ा है हुजूर अलैहि हजूर तो व सलाम ने फरमाया आयशा परों वाला घोड़ा यानी घोड़े के तो पर नहीं होते घोड़ा तो उड़ता नहीं है बल्कि घोड़ा तो अपने पाऊँ की वजह से ज़मीन पर चलता है ये आपका कैसा घोड़ा है जिसके पर हैं हज़रत आयशा रजी अल्लाह तहा ने फ़ौर जवाब दिया या रसूल अल्लाह हज़रत सलेमान सलात वसमाम के घोड़े के पर तो मौजूद थे हज़रत आयश रजी अल्लाह तहा के इस फ़ौर बर जवाब पर हजूर सल्ला वसलम मुस्करा पड़े इससे एक बात तो ये साबित हुई कि हज़रत आयशा रजील् तहा बचपन में ही हाजिर जवाब थी और दूसरी बात ये भी मालूम हुई कि छोटी उम्र में ही हज़रत आयशा रजी अल्लाह तहा को पहले अम्बिया के राम अलिम सलातम के वाक़ात याद थे ये तभी हो सकता है जब घुर घरों में कुरान और सुन्नत की तालीम हो जब बड़े घरों में अम्बिया की बातें करेंगे हज़रत साहब के राम रज़ी अल्लाह तहु मजमिन की बातें करेंगे अपने बुजुर्गों और अकाबरीन की बातें करेंगे तो आने वाली नसल के जहन में ये बात बैठेगी कि हमारे असलाफ कौन थे हमने किन के नक्शे कदम पे चलना है इस पे एक बात मेरे जहन में आ गई वाक़ मेरे जहन में आ गया कहते एक मरतबा स्कूल में एक उस्ताद ने पढ़ाते हुए अपनी क्लास के तलेब इमों से इस्टूडेंट से पूछा कि बेटो ये बताओ तुम बड़े होकर क्या बनोगे तो हर बच्चे ने अपने अपने जहन के मुताबिक जवाब दिया उसा जी मैं डॉक्टर बनूँगा मैं वकील बनूँगा मैं इंजीनियर बनूँगा मैं मुल्क का मुहाफ़ बनूँगा मैं पैलेट बनूंगा मैं फ़लॉँ बनूंगा फ़लां बनूंगा एक छोटा बच्चा मासूम पाँच छः साल की उम्र वाला खड़ा हुआ उस्ताद ने पूछा कि बेटे आप बड़े होकर क्या बनोगे तो उस छोटे बच्चे ने जवाब दिया कि उस्ताद जी मैं बड़े होकर जनाब रसूल सल्ला वसलम का सहाबी बनूँगा उस्ताद हैरान हुआ का बेटा तुम्हें पता है सहाबी किसे कहते हैं कहा उस्ताद जी मुझे सहाबी की तारीफ़ का नहीं पता कि सहाबी की तारीफ़ क्या है बेटा ये तुम्हें पता है कि अब सहाबी कोई नहीं बन सकता साहुसा जी मुझे ये भी मालूम नहीं है उस्ताद ने सवाल किया बेटा इस बच्चे को इंजीनियर की तारीफ़ का पता है कि इंजीनियर किसे कहते हैं और इंजीनियर को इसने देखा है तभी कहता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा डॉक्टर किसे कहते हैं इनको पता है इन्होंने डॉक्टरों को देखा है तो कहा हम डॉक्टर बनेंगे न तुम्हें सहाबी की तारीफ़ का पता न तुम्हें यह पता है सहाबी किसे कहते हैं न तुमने किसी सहाबी को देखा और न ये मालूम है कि अब कोई सहाबी नहीं बन सकता तुमने ये जवाब कैसे दिया कि मैं बड़ा होकर हुजूर हजूर अलीसलात वसलाम का सहाबी बनूंगा उस छोटे मासूम बच्चे ने जवाब दिया उस्ताद जी जब से मैंने होश संभाला है यानी बात है, मेरे कानू में टकरानी शुरू हुई है मैंने बात को लेना शुरू किया दो अढ़ाई साल की उम्र तो मेरी माँ हमेशा मुझे साहब कराम के किस्से सुनाती है किराम के वाकया सुनाती है जनाब रसूल सल्ला वसलम से उनका ताल्लुक़ बताती है दीन के लिए और साहब दीन हजूर सल्ला वम के लिए उनकी कुर्बानियों का तस्करा करती है मैं मुझे मेरी माँ ने इन तीन चार सालों में सहाबे कराम के इतने ज़्यादा वाक़ सुने मेरा दिल करता है कि मैं भी बड़े होकर उन्हीं की तरह बनूँ मैं भी सहाबी बनूँ अब वो बच्चा सहाबी बन तो नहीं सकता लेकिन इतनी बात आ, हमें समझ आ जानी चाहिए वन को खूस माओं को ये बात समझ आ जानी चाहिए कि अगर हम ये चाहें कि हमारी आने वाली नस्ल वो सही रुख पर चले सही अकीदे पर चले इबादत का एहतमाम करें तो फिर हमें चाहिए कि अपने घरों में दीन का एहतमाम करें जनाब रसूल सल्ह वसलम आपके सहाबा उम्मत के अकाबरिन और असलाफ़ के तस्करे करें बच्चों को ये चीज़ें सुनाएंगे इन लोगों का तस्करा करेंगे तो बच्चों का जहन बनेगा कि हमने भी बड़े होकर इन्हीं की तरह बनना है हमारे हजरत दहमद बरकत मलाली इस पर बड़ा प्यारा जुमला फरमाते हैं कि हम में से हर बंदा आज ये चाहता है कि मेरी औलाद ऐसे हो जैसे हजरत हसन हजरत हुसैन थे रजी अल्लाह तहुमा उन्हीं की तरह नेक हो वालदेन की फरमा बरदार हो दीन का दर्द रखने वाली हो लेकिन हम में से कोई भी अली और फातमा का किरदार निभाने के लिए तैयार नहीं है यानी हम खुद अली और फातमा के नक्शे कदम पर नहीं चलते और ख़्श ये होती कि औलाद हसन हुसैन हो अगर वालदैन हज़रत अलीतजा और ख़तून जन्नत सैद फ़ातिमत जहरा के नक्शे कदम पर चलेंगे तो फिर औलाद हजरत हसनैन करीमैन रजी अल्लाह तहुमुमा के नक्शे कदम पर चलेगी खैर मिशका शरीफ की सदी से पाक से पता चला कि अल्लाह रबालज़त सैदशा रजी अल्लाह तहाँ को बचपन में ही हाजिर जवाबी की नमत अता फरमई थी हजरत ऐशा रजी अल्लाह तहा के कई एक फ़जाइल हैं आपकी सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ा कमाल ये है कि आप जनाब रसूल सल्ला वसम की सहाबिया हैं ये इतना बड़ा एजाज़ है कि दुनिया के सारे एजाजात हज़रा एमबिया कराम अलिम सलात वसलाम के बाद इंसानों में इस एजाज के बराबर नहीं हो सकते सहाबियत का मुकाबला दुनिया का कोई मकाम चाहे वो विलायत का हो चाहे वो शहादत का हो चाहे इल्म का हो चाहे वो रियाजत का हो दुनिया का कोई भी मकाम इंसान देख ले रसूल होना अल्लाह के रसूल का शगिर्द होना बराह रास्त अल्लाह के नबी के साथ ईमानी ताल्लुक़ हुजूर की ज़िंदगी में कायम करना ये एक ऐसा एजाज़ है जिसका मुकाबला दुनिया की कोई नेकी भी नहीं कर सकती कोई मकाम भी नहीं कर सकता जिसे हज़रत इमाम नवी रम्ला ने शरा मुस्लिम में इनफाज में जिक्र फ़रमाया फरमाए कि फिन न सोहबती ला या दिल्हा अमल्ला के नबी का सहाबी होना ऐसा अमल है जिसका मुकाबला दुनिया का कोई और अमल नहीं कर सकता तो आप अल्लाह के रसूल की सहाबिया हैं सहबिया होने के बाद आपका दूसरा सबसे बड़ा एज़ाज़ ये है कि आपूर की बीवी है आप हजूर की जोजा हैं उमो में नीन हैं अल्लाह के नबी का हरम हैं नबी के घर में आने वाली और नबी के घर को आबाद करने वाली हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तहाँ हैं आप ख़ुद फ़रमाती हैं रवायात मुख्तलिफ़ हैं कि जब रसूल सल्ला वल् से आपका निकाह हुआ एक रिवायत के मुताबिक आपकी उम्र छः साल एक के मुताबिक आपकी उम्र सात साल थी और एक रिवायत के मुताबिक जब आपकी रुस्ती हुई तो आपकी उम्र मुबारक उस वक़्त नौ साल थी हज़रत ऐशा रज़ी अल्लाह तहा अल्ला के नबी की बीवी हैं उम उमोमिन हैं हबीब हबीब खुदा हैं सिर्फ बीवी नहीं है बल्कि रसूल सल्ह वसम की चहेती और महबूब तरीन बीवी हैं जिसका तस्करा मुख्तलफ़ रवायात में जनाब रसूल सल्हु वसम ने फरमाया एक हदीस पाक बुखारी शरीफ बाबू कौलिन नबी सला वसम लवकुंत मुतिजन खलीला इसके तहत नकल की गई हज़रत अमर बिन आसरज़ी अल्लाह तनु फरमाते हैं मैं हजूर सल्ला वसलम की ख़मत में हाज़िर हुआ और हाज़िर होकर मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह अहब अहब्बासी अहब्बिल इस रुए ज़मीन पर आपको सबसे ज़्यादा महब्बत किससे है सबसे ज़्यादा महबूब आपका कौन है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहला नाम लिया आपने फरमाया आयशा इस कायनात में मुझे सबसे ज़्यादा महब्बत हज़रत आयशा रजी अल्लाह तहा से है हज़रत अमर फरमाते मन हर्ज़ के या रसूल मिनर्रिजाल हज़रत ऐशा तो औरत हैं आपकी बीवी हैं मर्दों में आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किस से करते हैं अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फरमाया अबू हा मर्दों में मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत आयशा के वालिद यानी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तहु से है आगे फिर अल्लाह के नबी ने हज़रत उमर का नाम लिया चंद और साहब के रज़ी अल्लाह तहु मजमैन का नाम लिया तो औरतों में सबसे ज्यादा महब्बत अल्लाह के रसूल को हज़रत ऐशा से है और मर्दों में सबसे ज़्यादा आपको मोहब्बत हजरत ऐशा के वालिद खलीफ अव्वल खलीफ बिलाफसल जानशीन रसूल सबसे पहले मुसलमान हजरत अबू बकर रज़ील्ल्लह तू से है इसकी मुहदसिन ने तशरीहात की हैं इसदीस पाक की हमारे मुर्शद हमारे शेख उस्ताद मोहतरम मुतकल इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद अल्यास घुम्मन साहब दामुदबरकत मलालिया इसदीस पाक की तशरी में बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं कि जनाब रसूल सल्ला वसलम को सब से ज़्यादा औरतों में महब्बत हज़रत ऐशा से क्यों थी और मर्दों में सबसे ज़्यादा महब्बत आपको हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह तहु से क्यों थी इसकी वजह यह हैतम बरकत मलालिया फरमाते हैं कि एक ये इंसानी फितरत है एक उस्ताद है वो पढ़ाता है उसके स्टूडेंट्स में तालबिलम में उसके शगिरदों में एक तालब इम एक शगर्द ऐसा है जिसकी उम्र बहुत छोटी है लेकिन हाफजा बहुत ज़्यादा है अल्लाह ने क़वत फहम अताफरमयी है बात को लेता है अक्स करने की सलाहियत है अपने उस्ताद की बात को जल्दी महफूज करता है बात को समझता है याद करता है और उस शगिर्द का उस तालब इम का वालद वह है जो अपना सब कुछ उस्ताद पर क़ुरबान करता है अल्लाह ने माल दिया माल कुर्बान कर दिया अल्लाह ने दौलत दी दौलत कुर्बान कर दी इज्ज़त की नेमत उस्ताद पर कुर्बान है यानी दुनिया की सारी चीज़ें वो उस्ताद पर कुर्बान कर देता है शगिर्द वो है जो सबसे ज़्यादा जहन शगिर्द वो है जो सबसे ज़्यादा फहम का मालिक शगिर्द वो है जो सबसे ज़्यादा बात को अखज़ करने वाला और वालिद वो है जो अपना सब कुछ उस्ताद पर कुर्बान करता है अब उस्ताद के दिल में इस शगिर्द की सबसे ज़्यादा मोहब्बत का आना और उस शगर्द के वालिद की सबसे ज़्यादा मोहब्बत का आना ये एक फितरी बात है ला लाम उस्ताद इस शगिर्द से भी प्यार करेगा ला लामा उस्ताद इसके वालिद से भी प्यार करेगा यही कुछ मामला हज़रत ऐशा रज़ी अल्ला तन और आपके वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक का है अगर बात हज़रत आयशा की की जाए हज़रत आयशा ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात को लिया है समझा है महफूज किया है अक्स किया है और उम्म तक पहुँचाया है लिखा है सहाबे के राम रज़ी अल्लाह तुम में वो लोग जो मुहदस थे जिनको अहादीस पा के एक बड़ी तादाद में याद थी जिन्हें हफाज हदीस कहा जाता है उनमें हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तहा का नाम भी मौजूद हैलमाए स नेलमाए असमाजाल ने दो हज़ार से ऊपर रिवायात बयान की हैं तकरीब दो हज़ार दो सौ दस रिवायात ऐसी हैं जो कुतुब अहादीस में हज़रत ऐशा रजी अल्लाह तना से मनकूल है और बात है मामला फाही की बात को समझने की अल्लाह के रसूल की बात के मंशा को समझने की जिसे मुशतद कहा जाता है फ्कहा कहा जाता है इस पर भी ने लिखा है जनाब रसूल ल्ला। सल्हु वसलम के दौर में वो एक सौ तीस सहाबा जो मुशतद थे फ़की थे मसैल बताया करते थे इश्तहादी मसाइल में फ़तवे दिया करते थे उन 130 सौ तीस सहाबा में नंबर एक वो साहबा हैं जिनके फ़तावा बहुत ज़्यादा तादाद में है मुकसरन और नंबर दो दूसरे नंबर पर वो हैं जो तीन उनके फ़तावा दरमिया दर्जे के हैं और एक है मुकलिन बड़ी थोड़ी तादाद में उनके फ़तावा उम्मत में चले हैं तो मामा ने लिखा है वो सहाबे के राम जो मुतहिद थे फतवा दिया करते थे क़ात इजतहाद की अल्लाह ने अता फरमाई थी और मुकसरीन थे यानी बड़ी तादाद में उन्होंने इसहादी मसाइल को हल किया उनमें एक नाम हजरत ऐशा रजील् तहा का भी है तो कौत हाफ़जा और इज्त अख्ज़ की सलाहियत ये हज़रत ऐशा में मौजूद थी और अगर बात आपके वालद की जाए खुद जनाब रसूल सल फरमाते हैं अमन अलैफ़ी सुहबती ही वमाली अबू बकर फरमाते हैं लोगो जितना फ़ायदा मुझे अबू बकर के माल ने दिया अबू बकर की सोहबत ने दिया लोगों में से न किसी के माल ने इतना फ़ायदा निया ना ही किसी की सोहबत ने इतना फ़ायदा दिया ये हर वक़्त मेरे साथ भी रहता है और सब कुछ मुझ पर कुर्बान भी करता है एक हदीसी बाग में फरमाया दुनिया में जिस जिस मेरे साथ एहसान किया मेरे साथ भलाई की मैंने सब का बदला दुनिया में दे दिया माखला अबा बकर सिवाय अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह के इनके एहसानात का बदला अल्लाह क्यामत के दिन खुदाता फरमाएंगे तो हजरत ऐशा से सबसे ज्यादा महब्बत की वजह आपकी कुत हाफजा जहानत मामला फहमी इजतहाद इसबात है और आपके वालद हजरत अबू बकर से महब्बत की वजह इसलिए कि हज़रत सिद्दीक ने अपना सब कुछ जनाब रसूल सल्ला वसलम पे निछावर और क़ुरबान कर दिया इसी तरह दीगर अहादीस में भी आपके फ़जाइल मौजूद हैं मना के मौजूद हैं मैं वक्त की किल्लत की वजह से सिर्फ एक हदीस पाक उसका मफहम आपके सामने अर्ज कर देता हूँ जिसे हजरत इमाम हाकम रहाम ने मुस्तरा के हाकिम की पाँचवीं जेल्द सफ़ा तेरह हदीस नंबर छः हज़ार सात सौ पर नकल किया हज़रत ऐशा रजी अल्लाह तना फरमाती हैं अल्लाह रब्ज़त ने मुझे चंद ऐसी खूबियाँ अता फरमाई हैं अल्लाह ने मुझे चंद ऐसे कमालत फरमाए हैं अल्लाह ने मुझे चंद एक ऐसे फ़जल अता फरमाए हैं जो मेरे अलावा अल्लाह ने किसी को अता नहीं फरमाए नंबर एक निका से पहले हजरत जब्राईल अली वसलाम ने मेरी सूरत और मेरी तस्वीर जनाब रसूल अल्लाह सल्हुसम को दिखाई ये बताने के लिए कि यह रसूल्ला ये ऐशा बिनते अबू बकर आपके निकाह में आने वाली है नंबर दो फरमाते हैं, मेरी हजूरतम ने जब मुझसे निकाह फरमाया उस वक़्त मेरी उम्र सात साल थी इतनी छोटी उम्र में हजूर आल सलाम ने किसी औरत से किसी खातून से निका नहीं फरमाया ये सिर्फ़ मेरा एजाज़ है नंबर तीन जब मेरी रुस्ती हुई उस वक़्त मेरी उम्र नौ साल थी इतनी छोटी उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और ख़ातून से किसी और औरत से निकाह नहीं फरमाया नंबर चार फरमाते हैं अजवाज मतहरात में ये मुझे एजाज़ हासिल है कि अल्लाह के रसूल की बीवियों में वो मैं वाद बीवी हूँ वौजा हूँ जो बाकरा होने की हालत में कंवारी होने की हालत में हुजूर हजूर आल सलाम के निकाह में आई हूँ इसके अलावा जितनी भी थी वो बेवा थी मुतलका थी कोई और ख़ातून ऐसी नहीं है जो कंवारी होने की हालत में हज़ूर सलात वाम के अकद निकाहाम आई हो नंबर पाँच हजूर व सलाम मेरे बिस्तर पर होते थे इसी हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह वही नाज़िल फ़रमाते थे ये मेरा एज़ाज़ है नंबर छः अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझसे फ़रमाते थे नंबर सात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी बारत के लिए मेरी इफ़त और पाक दामनी को बयान करने के लिए कुरान करीम की आयात उतारी हैं ये मेरा एजाज़ है नंबर आठ मैंने जब्राईल अली सला वसलाम को देखा है और नंबर नौ जब अल्लाह के रसूल वसल्लम का मलाल आपकी वफात हसरत आयात हुई तो आप मेरे हुजरे में थे मेरे घर में थे मेरे मकान में थे मेरी गोद में थे इस हालत में अल्लाह के रसूल वसल्लम की वफ़ात हुई आपके इंतकाल पर मलाल वफात हसरत आयात हुई तो इस हदीस पाक में ये नौ फजीलतें आपकी बयान की गई हैं हजरत आयश रजील तन्हा की इसके अलावा हज़रत करामजरत ताबी रह्ला इनसे भी आपकी फजीलत मनकूल है इमाम तिरमजी रहम्ला ने सुन तिरमजी की दूसरी जल्द सफा सात सौ सात पर नकल किया सहाबी रसूल हजरत अबू अशरी फरमाते सहाब के राम को जब भी कोई मुश्किल मसला पेश आया जिसका हल हमसे नहीं होता था फसा आयशा हम हजरत आयशा के पास जाते हजरत ऐशा रजी अल्ला त मसला पूछते व जदना इनदहा इल्मा ये ऐसा नहीं होता कि हम हजरत आयशा के दरवाजे पर जाएँ और हमें मसले का हल ना मिले हमें जब भी मुश्किल पेश आती मसाइल के मामले में तो हम हजरत जिले चौदह पर है।, बिन जुबैर फरमाते है मैंने हलाल इलम शायरी और तिब में हजरत ऐश रजियाल्ला से बड़ा आलम नहीं देखा आप इस मामले में सबसे बड़ी आलमा थी इमाम हाकिम ने मुस्तरा के हाकिम की पांचवीं जिल्द सफा अठारह पे मशहूर ताबी हजरत इमाम रही से नकल किया आप फरमाते हैं अगर असवाज मतहरा समेत तमाम लोगों के लूम को इकट्ठा किया जाए हजरत आयशा रजी अल्लाह तहा का इल्म इन तमाम से ज्यादा है इमाम हाकम ने मुस्तर के हाकम की पाँचवीं दिल सफ़ा अठारह पे हजरत रहम्ला से नकल किया आप फरमाती हैं आप फरमाते हैं हजरत ऐशा रजी अल्लाह तहा तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा फकीहा और सबसे बड़ी आलमा थी और सबसे अच्छी रय वाली थी सबसे बड़ी आलमा सबसे बड़ी फकीहा, सबसे अच्छी रय वाली थी इस अदीस पाक और असर से जहाँ हजरत ऐशा की फ़काहत साबित होती है आपके इल्म का इजहार होता है वहाँ ये बात भी साबित होती है कि मुझतहद और फ़कीह का साहिब रय होना यह उसका कमाल होता है मुजत हो और साहेब राय ना हो ये उसकी आय होता है और मुजत का साहेब राय होना ये उसका कमाल होता है हज़रत ऐशा मुशत भी थी फ़कीहा भी थी आलमा भी थी सिहेब राय भी थी हज़रत इमाम अजम इमाम अब हनीफा रमत के बारे में लोग सवाल करते हैं इतराज़ करते हैं जिस इमाम की तुम बात मानते हो वह तो साहब रय है हम कहते हैं हज़रत ऐशा भी साहेब रय थी इसलिए कि हज़रत ऐशा भी फ़ीहा इमाम साहब भी फ़कीह मोज और फिर का साहब रहे होना ये कमाल की बात होती है ये ऐब की बात नहीं होती इमाम इब्ने साद रहमत लत्तापातुल्कुब्रा की दूसरी जल्द सफा दो सौ छियासी पे हजरत मसरूक रहमल्ह से नकल किया किसी ने पूछा कि हजरत ऐशा रजी अल्लाह तहा इल्म फ़राइज जानती थी तो आपने कसम उठाकर फरमाया मैंने बड़े बड़े साहबा को देखा वो मीरास के मसाइल के लिए हजरत ऐशा के दरवाजे पर हाजिर होते थे तो ये चंद एक आसार मैंने अर्ज किए जिनसे हज़रत ऐशा रजी अल्लाह अन्हा की फजीलत बयान होती है फ़जीलत का तस्करा मिलता है बाकी हज़रत ऐशा रजी अल्लाह अन्हा ने इस उम्मत के साथ कई एक एहसान फरमाए अल्लाह के रसूल की घरेलू ज़िंदगी जो उम्मत के मर्दों से पोशीदा थी हज़रत ऐशा ने उसे महफूज किया और उम्म तक अल्लाह के रसूल की घरेलू और निजी ज़िंदगी को पहुँचाया ताकि अगर कोई शौहर है उसे मालूम होना चाहिए बीवियों के साथ बर्ताव क्या किया जाता है इबादत घर में कैसे की जाती हैं मामल को कैसे चलाया जाता है जिनकी तादाद मैंने बताई दो हज़ार से ऊपर है दो हज़ार दो सौ दस अहादीस हजरत ऐशा रजी अल्लाह तह ने इस उम्मत तक पहुँची हैं और अगर इस उम्मत को तयम वाली नमत मिली है पानी मौजूद न हो मट्टी के ज़रिए तहारत हासिल करना बुखारी शरीफ बाबू तयम की रवायत के मुताबिक ये तयम वाली नेमत जो इस उम्मत को मिली है इस तयम वाले हुक्म के उतरने का ज़रिया और सबब हज़रत रजी अल्लाह तह की ज़ात बनी है हज़रत ऐशा की बरक़त से उम्म को तयम वाली नमत भी अता हुई है तो हज़रत रजी अल्लाह तहा जनाब रसूल सल्ला वसम की चहेती महबूबा बीवी हैं अल्लाह रब्ज़त ने आपको हजूर के हरम में भेज कर अल्लाह के रसूल की बीवी बनाकर ईमान वालों की माँ होने का उमिन होने का शर्फ अता फ़रमाया हजरत ऐशा रजी अल्लाह इतने बुलंद मकाम पर फैज थी इतने बुलंद मकाम पर फैज़ होने के बावजूद आपके दिल में खुदा का खौफ कितना था आखरत का डर कितना था इस पर सिर्फ़ एक रिवायत समात फरमा लें जिसे हज़रत इमाम जलालद्दीन सयोती रह ने तफसरद्दरमंसूर सूर इब्राहिम की आयत यूस भीलाजीन आमन व बिलख़ौल सबित के तहत नक़ल किया हज़रत ऐशा अल्लाह के रसूल से पूछती हैं या रसूल अल्लाह इस उम्मत को कबर में आज़माया जाता है कबर में सवाल जवाब होते हैं मुनकर नकीर आते हैं फ़कीफ़ बी व अन इमरतुल ईफ़तन हजूर मेरा क्या बनेगा मैं तो औरत हूँ कमज़ोर हूँ ये उमुलमोमिन कह रही हैं सिद्दी बिनते सिद्दीक़ कह रही हैं अल्लाह के रसूल की बीवी कह रही हैं जिनके जन्नती होने में शक नहीं है वो कह रहे हैं हुजूर मेरा क्या बनेगा मैं तो औरत हूँ कमज़ोर हूँ अल्लाह के रसूल ने सूरह इब्राहिम की यही आयत तिलावत की फरम ऐशा युस बतलना आमन बिलक़ली साबित फ़िल हयात दुनिया व फिल आखिर परेशान नहीं होना अल्लाह ईमान वालों को दुनिया की ज़िंदगी में भी सबित कदमी अतः फ़रमाते हैं और दुनिया की ज़िंदगी के बाद आने वाली ज़िंदगी में भी अल्लाह इनको सबित कदमी अत्यारमेंगे तो इस अदीस पाक से जहाँ हजरत ऐशा के खौफ खुदा का तस्करा हमें मिलता है खौफ खुदा का सबूत मिलता है वहाँ ये बात भी साबित होती है कि मौत के बाद फनाइत नहीं है मौत के बाद हयात मिलती है इसलिए जनाब रसूल सल्ला वम ने कबर के सवाल जवाब के बारे में बतौर दलील के इस्तलाल के इस एहत करीमा को तिलावत किया हज़रत ऐशा रजी अल्लाह तह अपनी ज़िंदगी के अयाम मुकम्मल करने के बाद सन अट्ठावन हिजरी सत्रह मुबारक को इस दुनिया से आपने रहलत फरमाई अपने खाले के हक़ीकी से जा मिली नमाज तरावी नमाज वितर से फारग होने के बाद मुहदस उम्मत हजरत अबू हुरैर रजील् तन ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ी उसके बाद आपको दफन किया गया आपकी वफात के बाद उम्मत की हालत क्या थी उम्मत को क्या मुश्किल का सामना करना पड़ा उम्मत कितनी रजीदा थी अतबकातुलकब्रा में इमाम इब्ने साद ने आठवीं जेल सफ़ा इकसठ और बासठ पे नकल किया हज़रत ऐशा की वफ़ात के बाद एक बंदा मदीना मुनवरा से बाहर किसी जगह पर गया तो वहाँ के किसी बंदे ने पूछा कि हज़रत ऐशा की वफात पर उम्मत की हालत क्या थी सहाबा और ताबीन की क्या हालत थी तो उस जनाजे में शरीक शख्स ने बताया जो जो उस जनाजे में शरीक शाह ने जवाब दिया कहने वाले ने कहा कि जिस जिस की हजरत आयशा माँ थी वो सारे के सारे गमजदा थे जिस जिस को हजरत आयशा से प्यार था वो उन्हें अपनी माँ समझता था उनसे माँ वाला रिश्ता जोड़कर बेटे वाला रिश्ता जोड़कर अपनी निजात समझता था वो सारे गमजदा थे मालूम हुआ हजरत ऐशा रजी अल्लाह त से महब्बत वही करेगा आपके ईमान इजतहाद फ़काहत इल्म हदीस इसे वही तस्लीम करेगा जो हजरत ऐशा को माँ मानेगा नबी की बीवी मानेगा हज़रत ऐशा रजी अल्लाह तहा ने पूरी ज़िंदगी जनाब रसूल वसल्लम के दीन के लिए मेहनत की अल्लाह के रसूल से दीन को सीखा और उम्मत तक उस दीन को आम फरमाया हज़रत ऐा रजी अल्लाह तहा के इस उम्मत पर इतने एहसानात हैं अगर हम उनका बदला देना भी चाहें नहीं दे सकते बस इतना हम कहते हैं अल्लाह इज़्ज़त अपनी तरफ़ से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अल्ला के एहसानात का बदला जन्नत की नेमतों की सूरत में हमारी तरफ़ से अल्लाह उन्हें अता फ़रमा दे रज़ी अल्लाह अल्लाह उनसे राज़ी भी हो जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम भी अता फरमाए और हमें उनके हलाली बेटे बनकर उनके नक्शे कदम पर चलते हुए दीन के तहफ़ दीन की इशात की तो फी कता आखिर में हजरत ऐशा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में शौरश कश्मीरी रहम्ला ने जो चंद अशार कहे थे वो भी आप समात फरमा लें आप कहते हैं हो मेरे माँ बाप कुर्बा इस मुकद्दस नाम पर आयशा के सैकुणों एहसान हैं इस्लाम पर जिसकी इफ़त की गवाही दी कलामुल्लाह ने जिसकी गैरत के निशान हैं दामने अयाम पर जिसको बख्शा था पैगम्बर ने हु का लकब माहरुमाह की रौन के कुर्बान उसके नाम पर जिस पे बांधा था खुदा के दुश्मनों ने इताम आज तक इंसान शर्मिंदा है उस इल्जाम पर हम गुनागारों का शौरश कौन है उसके सिवा खा जय कौन की रहमत है खास व आम पर अल्लाह रबोलम सब सबको अजवाज मतहरा सहब कर राम आल रसूल जिस जिस का ताल्लुक अल्लाह के रसूल के साथ है उनका अदाबराम करने की तोफ़ी ताफ़रमाएँ व आखिर उ दावाना अनिलहमदिल्लाबी